बेहद खुशी है कि आज मैं यहाँ आया हूँ और रिबेरो साहब और उनकी जो पूरी टीम है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये जो काम है ये इसमें वक्त लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए, लेकिन ये एक ऑनगोइंग काम है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वक्त देते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि रिबेरो साहब जिनकी उम्र हमसे कहीं ज़्यादा है वो इस उम्र में भी इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मुझे वाकई आई फील सो प्राउड टू बी समवन हु इज़ शेयरिंग द स्टेज विथ हिम एंड पीपल लाइक हिम। यू नो आई होप कि जब मैं रिबेरो साहब की उम्र का रहूँगा तो मुझ में इतनी शक्ति होगी, मुझ में इतना ड्राइव होगा कि मैं नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता रहूँ। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग एंड आई थिंक राउंड ऑफ अप्लॉज टू नॉट ओनली मिस्टर रिबेरो बट इज एंटायर टीम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ और आप सबकी बातें मैं सुनना चाहूँगा, आपके जो सवाल है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका जवाब दूँ। ये करप्शन जो एक मुद्दा है, इतना डिफ़िकल्ट और पेचीदा मुद्दा है। हम लोग सत्य में जाते हैं, हमारी टीम ने कई दफ़ा इस पर डिस्कशन किया कि शुड वी टेक करप्शन एज ए टॉपिक। हो सकता है आगे जाके हम ये टॉपिक लें, लेकिन अब तक हम उसके ऊपर सही तरीके से हमको हैंडल नहीं मिला। सो वी हैव गॉन अराउंड दैट टॉपिक इन डिफरेंट वेज। हमने व्हाट आर योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डेमोक्रेसी हमने किया था। आई थिंक जो एक फेबल है अकबर और बीरबल का, वो बड़ा अच्छी तरह इसको इलस्ट्रेट करता है। तो अकबर, शाहजहां अकबर को बड़ा फ़ख्र था कि मेरे जो सिटीजन्स हैं वो बड़े ईमानदार हैं। तो बीरबल ने बोला कि हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इस बात को कि आपको बड़ा गर्व है, बड़ा फ़ख्र है आपको कि आपके जितने सिटीजन्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अकबर बादशाह चाहते हैं कि हर एक सिटीजन जो है एक जग दूध उस टैंक में आके डाल दें। तो बाकायदा दिन भर लोग आए, एक एक जग उन्होंने डाला टैंक के अंदर, और अगले दिन जब टैंक खोला गया तो देखा कि उसमें सिर्फ पानी था। हर आदमी ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डालूंगा आपको किसी को पता नहीं चलेगा। तो करप्शन इज एन इश्यू विच वी हैव टू रियलाइज कि इट इज कनेक्टेड टू मी। हर इंसान को इसको समझना है कि करप्शन बाहर नहीं है, करप्शन मेरे अंदर है। दूसरा आदमी दूध डाल रहा है, दूसरा आदमी पानी डाल रहा है, उसको ना सोच के मैं अपना काम करूं, यह है सोल्यूशन करप्शन का। अक्सर हम सोचते हैं कि करप्शन की लड़ाई मतलब उन करप्ट पॉलिटिशियंस को हमको अटैक करना है या उन करप्ट पब्लिक ऑफिसर्स को हमको अटैक करना है। हम हमेशा बाहर देखते हैं, हम कहीं और देखते हैं करप्शन को टैकल करने के लिए, बट वो गलत तरीका है। जो पॉलिटिशियन है उनको हमने ही चुना है, जो पॉलिटिशियन है वो भी इसी सोसाइटी का है, वो भी एक इंसान है, इसी गोले का है, पीके की तरह दूसरे गोले से नहीं आया। तो वो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है। और जिस दिन हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो मजबूत होगा, फिर चाहे आप उस पोजीशन ऑफ पावर में रहें, चाहे आप लीडर बने, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट बने, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। सो वी हैव टू लुक इनवर्ड फॉर करप्शन, द स्ट्रगल फॉर करप्शन। आई फील वी ऑलवेज हैव टू लुक इनवर्ड एंड आई एम हैप्पी टू यू नो स्टार्ट द डिस्कशन एंड टेक एनी क्वेश्चंस यू ऑल मे हैव।